नमस्कार, रैपिड सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी में मैंने उस दिन आपको पार्ट वन के तौर पर रचना एवं रचनाकार जो प्रसिद्ध हैं, जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताया था। आज पुनः मैं उसी में दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार सरसरी नजर से सभी प्रश्नों को देखते हैं और अपने दिमाग में सजोते हैं। जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन होते हैं, तो आप सारे लोग जानते हैं कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कृति मिलती है। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। गद्य में जब आप युग को देखेंगे तो इसमें पहला युग जो मिलता है वह भारतेंदु युग मिलता है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, यह कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसके लेखक मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी होती है। तुलसीदास जी की रचना जब हम बात करते हैं तो इनमें से आपको कौन देखने को मिलती है, विनय पत्रिका। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति होती है। इसकी अगर हम बात करें तो यह कृति होती है इनकी शर्मा जी की, रामविलास शर्मा की जब हम बात करते हैं उनकी कृति होती है निराला की साहित्य साधना। छह नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि के विषय में जब हम बात करें तो इसमें से हमको मिलते हैं भूषण, यह रीतिकालीन कवि होते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन होते हैं। एक मुलाकात की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा कृष्णा सोबती इसकी कौन है, कथाकार है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि आधे अधूरे किस विधा की रचना मिलती है। आधे अधूरे की बात करें तो यह एक नाटक है, आधे अधूरे क्या है, एक नाटक मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे कह रहा मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक इनमें से रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की तो इसमें से हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न आपसे 10 नंबर कह रहा नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी इसमें से नहीं है। तो जब हम इनमें से बात करते हैं जैसे बादलों को घिरते देखा इन्हीं की रचना है, तुमने कहा था इन्हीं की रचना है, पुरानी ज्योतियों का कोरस इन्हीं की रचना है, ये जो मैं उस जनपद का कवि हूं ये नागार्जुन की कृति नहीं होती है। अगला प्रश्न 11 कह रहा हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास को जो है प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा इन्होंने लिखा था प्रणय प्रतिका। अगला प्रश्न दिया है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा होता है। निराला ने इसमें से रचना की है गीतिका की, ठीक है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन होते हैं इसमें से। तो जब हम बात करते हैं भाई विद्यापति मैथिल का कोकिल कहा जाता है, इनको मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा मधुशाला किसके द्वारा रचित है। मधुशाला की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद है हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न कह रहा हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाया, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से होती हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा ये कामायनी की जो है पंक्तियां हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कृति। काशी का अस्सी किसकी रचना मिलती है। तो जब हम बात करते हैं काशीनाथ सिंह की तो इन्होंने ही लिखा है काशी का अस्सी। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा चारु चंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति होती है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो जब हम जायसी की बात करते हैं तो ये अवधी भाषा में इनकी कृतियां किस में मिलती है, अवधी भाषा में मिलती है। 19 नंबर कह रहा बिखरे मोती, ठीक है, किसका पहला कहानी संग्रह होता है। बिखरे मोती की जब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का यह पहला कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना मिलती है। तो जब हम इनमें से बात करते हैं किसको, भगवती चरण वर्मा की, तो उनकी यह कृतियां होती है। अगला प्रश्न 21 कह रहा पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। पद्मावत की जब बात होती है तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा यह अवधि में है। अगला प्रश्न कह रहा है कादंबरी किस लेखक की रचना मिलती है। कादंबरी की जब हम बात करें तो बाण भट्ट की रचना होती है कादंबरी। अगला प्रश्न आपसे 23 कह रहा आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना होती है। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो भैया इसकी रचना की है मोहन राकेश ने। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। मन्नू भंडारी की कृतियों में जब हम देखें तो इसमें से यही सच है, इन्हीं की कृति है, अकेली इन्हीं की कृति है, नई नौकरी इन्हीं की, पिंजरे की उड़ान जो है इनकी कृति नहीं होती है मन्नू भंडारी। 25 नंबर प्रश्न कह रहा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया, और यह प्रश्न भी बहुत बार आया है सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन है। धर्मयुग की जब बात होती है इसमें से संपादक के तौर पर मिलते हैं धर्मवीर भारती जी, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन होती है। तो 27 में जब हम बात करते हैं यह कहानी होती है चित्रा मुद्गल की, ठीक है।
28 नंबर प्रश्न कह रहा हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन मिलती है। बहुत बार प्रश्न आया भैया मन्नू भंडारी की कृति होती है आपका बंटी। 29 नंबर प्रश्न कह रहा हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा शिवदान सिंह चौहान की जब हम बात करते हैं उनको रिपोर्टाज विधा का जनक कहते हैं हिंदी में। 30 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, बुढ़ापा इनकी नहीं है उत्सव नहीं कुटज इनका होता है, द्विवेदी जी की कौन सी होती है कुटज होती है चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी अगले प्रश्न की कह रहा सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को ध्यान है कि भाई जब हम बात करते हैं सूरदास की। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, 32 में अगर मैं सही विकल्प की बात करूं तो ये जो है उपन्यास होती है इनकी नाशिरा शर्मा की। अगला प्रश्न कह रहा फांस किसकी रचना होती है, फांस की अगर मैं बात करूं तो यह रचना होती है संजीव जी की। 34 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किन्नर देश में ठीक है एक यात्रा संस्मरण है इसके लेखक कौन है, तो राहुल सांकृतायन ने यह जो है यात्रा संस्मरण लिखा है। 34 में कौन सा सही होगा राहुल सांकृतायन। उसके बाद पूछा है पृथ्वीराज रासो सारे लोग जानते हैं चंद्रवर भाई बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कामायनी किस युग की रचना होती, तो कामायनी की जब हम चर्चा करते हैं यह जो है छायावाद की कृति है, कामायनी जो है छायावाद की कृति मिलती है। फिर हम बात करते हैं 37 तुलसी की भक्ति भावना ठीक है किस प्रकार की थी, तो तुलसी की दास्य भाव की भावना थी ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो यह जो अधिवेशन हुआ था सन 1936 में हुआ था 1936 में पहला अधिवेशन था। अगला प्रश्न कह रहा सत्सई के लेखक कौन होते हैं, बिहारी ठीक है सत्सई के लेखक कौन होते हैं बिहारी होते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। अगला कह रहा है जंगल जहां से शुरू होता है संजीव की रचना होती है, जंगल जहां से शुरू होता है इसकी जब हम बात करें तो संजीव की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, अंचल की जब हम बात करते हैं तो रामेश्वर शुक्ल इनको अंचल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है, तो सूरदास की जब हम इनमें से कृतियां देखते हैं तो भैया सुंदर विलास साहित्य लहरी सूर सागर सूर सरावली आपने पढ़ा है, सुंदर विलास नहीं पढ़ा। अगला कह रहे निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति होती है, निष्कवच की जब हम बात करें तो इसकी ये उपन्यासकार कौन है राजी सेठ जी। अगला 44 क्या कह रहा निम्न में से सही जोड़ी कौन सी है, सही जोड़ी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे महादेवी वर्मा ख्याति नहीं सही, नासिर प्रियाहट नहीं सही है, जयशंकर प्रसाद यामा महादेवी वर्मा की ये भी नहीं, ये पंत जी की है चितंबरा यही सही है। 45 नंबर क्या कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है, कबीर जी की रचना की जब बात होगी तो अच्छी तरीके से जानते हैं बीजक ठीक है किस में बीजक में। अगला प्रश्न कह रहा विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, विनय पत्रिका की जब हम बात करते हैं सारे लोग जानते हैं तुलसीदास जी की रचना होती है। अगला प्रश्न कह रहा कुमार शंभो कालिदास की रचना होती है ठीक है अभिज्ञान शकुंतलम कुमार शंभवम। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है जब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति, मिट्टी की बारात की अगर बात करें तो ये एक काव्य होती है ठीक है काव्य में रचना है। अगला कह रहे नाटक है स्कंद गुप्त की, तो ये जो स्कंद गुप्त है नाटक इसकी रचना किसने की है, भाई प्रसाद जी की बहुत ही मशहूर नाटक है ये। अंतिम प्रश्न कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कोई एक नहीं है, कौन सी नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें से कवि वचन सुधा किया है, बार बोधनी किया है, मैगजीन भी किया, ये आनंद कादम्बनी जो है इनके द्वारा संपादित नहीं है हरिश्चंद्र। तो ऐसे ही सीरीज के लिए जो है जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त जो बातें कहनी है जरूर कमेंट के माध्यम से कह के जाओ, फिर आपको अगली सीरीज में मिलता हूं एक नए प्रश्नों के साथ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।